देश में कोरोना की दूसरी लहर जा चुकी है, तीसरी की आशंका को लेकर सरकार सजग है। बच्चों को कोई परेशानी ना आए उसके लिए बच्चों की वैक्सीन पर काम चल रहा है। इस बीच सरकारी समिति ने सीरम इंस्टीट्यूट के क्लिनिकल ट्रायल करने की अनुमति देने के खिलाफ सिफारिश की है। जानकारी के मुताबिक सरकारी समिति ने सीरम इंस्टीट्यूट को 2 से 17 आयु वर्ग के बच्चों पर कोवोवैक्स टीके के दूसरे या तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल करने की अनुमति देने के खिलाफ सिफारिश की है। सीरम इंस्टीट्यूट ने सोमवार को ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को आवेदन करके 10 साइटों पर 12 से 17 और 2 से 11 आयु वर्ग के 920 बच्चों 660 प्रत्येक पर कोवोवैक्स का प्रशिक्षण करने की अनुमति मांगी थी। वहीं केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की कोविड-19 पर विशेषज्ञ समिति ने आवेदन पर विचार विमर्श किया और पाया कि किसी भी देश में टीके को मंजूरी नहीं दी गई है। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। Life24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170।